क्या कहेंगे, मोदी का परिवार चल रहा है ट्रेंड में, क्या कहेंगे आप? कोई मोदी का परिवार वरिवार कुछ नहीं है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि मोदी का परिवार कल तक अपने प्रोफाइल अपडेट कर लिया। गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, तमाम केंद्रीय पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोफाइल अपडेट कर लिया, लिख लिया मोदी का परिवार। नहीं, आप ये बताइए, परिवार पहले होता है कि कल परिवार कोई कहने लगे कल ये मेरे सदस्य हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, फेम पाने के लिए खाली परिवार। अगर आप हम कटाक्ष किए हैं तो आप उसकी तुलना में अपने परिवार के नाम गिनाइए ना। ये राजनाथ सिंह और मोदी, अमित शाह, ये कौन कौन लोग आ गए हैं, ये कब से इनके परिवार में हो गए हैं? माला नहीं पहनाया गया राजनाथ सिंह को, माले से बाहर कर दिए और परिवार के हैं ये? अरे मोदी जी ने 140 करोड़ को ही अपना परिवार मान लिया। मोदी तो सबको अपने मुंह से वो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, 140 करोड़ में मैं नहीं हूँ, 140 करोड़ में मैं नहीं हूँ, मैं पीडीए परिवार का हूँ। आप पीडीए परिवार का? और क्या, मैं संविधान, और क्या, मैं पीडीए परिवार का हूँ। वो संविधान विरोधी है। क्यों हिस्सा है? पीडीएफ संविधान की रक्षा करता है। पीडीओ जो भी शोषित वंचित है, हम उसके साथ खड़े हैं। वो लोग संविधान के भक्षक हैं, हम लोग रक्षक हैं। यस यस, क्या कहेंगे? यस यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आई एम आल्सो नॉट फ्रॉम मोदी फैमिली, आई एम फ्रॉम पीडीएफ फैमिली। पीडीएफ परिवार है, मोदी परिवार से अलग है। मेरा नाम भी सुन लीजिए, मैं हरीश रावत हूँ। ये भी नहीं कि मैं यादव हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। क्या बात, तो आप क्यों मोदी जी का साथ छोड़ के भैया, क्यों पीडीए के साथ? मोदी के साथ कभी रहे ही नहीं, मोदी के साथ कभी रहे रहे जो संविधान विरोधी। अभी तो केवल संविधान को बदला, उसके मतलब आधा तो खत्म कर दिया गया है। अब 2024 में अगर जो पीडीए जुड़ नहीं हुआ तो लोग संविधान की उस पवित्र किताब को हटा ही देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, खत्म कर, आधा से ज्यादा खत्म कर दिए हैं। उसके बाद 2024 में यदि नहीं आई सरकार, नहीं बना, विपक्ष मजबूत नहीं हुआ या प्रधानमंत्री विपक्ष का नहीं बना, तो उस पवित्र किताब को हटा देंगे। नहीं, आपने पूछा मोदी का परिवार, ये बताइए, ये जो बीजेपी सांसद जिनको टिकट दिया है अभी भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी से, ये मोदी के परिवार के हैं कि नहीं है? ये उन्होंने वापस कर दिया, बोले उन्होंने वापस किया, मोदी ने उनको नहीं हटाया है। मोदी भी आज भी उनको अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं, मोदी आज भी उनको अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं, और वो किसी और को अपने परिवार का सदस्य मान रहे हैं। बंद कमरे में वो क्या खेल खेलते हैं, वो जनता के बीच सब उजागर हो चुका है। जब तक हमारे ऊपर जो आरोप लगा है, जब तक उसमें हम सफाई वो नहीं हो जाएगा मेरा मामला। अरे सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, बताइए आप, उनके में तो सफाई तो लिखा है मोदी का परिवार। तो वही बोलता हूँ, उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मतलब उनके साथ खेलते हैं, ये भी तो परिवार है। देखिए, मोदी जी का जो परिवार आपने खुद देखा होगा, फोटो मंच में मोदी जी साथ आसाराम बापू खड़े, वो भी उनका परिवार है, और राम रहीम भी उनका परिवार है, और दूसरा चीज मोदी जी का एक परिवार और है जो बलात्कारी था उसका रामपाल, वो भी उनका परिवार है। कुलदीप सिंह सेंगर उनका परिवार है। ये सब मोदी जी के जितने बलात्कारी, भट्टाचारी, ये सब उनका परिवार है। अंडानी भी उनके परिवार है, अंबानी भी उनके परिवार है। परिवार साथियों, मोदी का परिवार जो है, जितने भगौड़े हैं वो सब भाजपा में गए, वो सबसे बड़ा परिवार है। ओम प्रकाश राजभर है, और भी जितने भी है जो इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खुद ही देश की जनता जान रही है, सबसे बड़े भगोड़े भाजपा के जो मेन है वो सब परिवार है। भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी भ्रष्टाचारी जाता है एकदम साफ धुल जाता है, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। और रही बात अगर जो भगोड़ों की, तो इतना पैसा भारत का लूट के मोदी जी भिजवा दिए हैं। अभी बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले कि मुंबई का एयरपोर्ट जो था, किसी नाम मैं भूल रहा हूँ, पहले किसी और उद्योग का, शिवाजी महाराज, नहीं, मुंबई एयरपोर्ट जो था किसी और उद्योगपति का था। उसके बाद क्या हुआ, अडानी जी ने क्या किया, उसे कहा तुम ये मुझे पसंद आ गया, तो उसने नहीं दिया। उसके बाद आईटी, ईडी, आईटी एकदम लगा दिए, सीबीआई, ठीक। उसके बाद में उसने आया, चाबी दे दिया, ये आपका एयरपोर्ट है। तो भाजपा केवल उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है। मोदी जी का परिवार चल रहा है ट्रेंड ट्विटर पे, क्या कहेंगे आप मोदी जी के परिवार? देखिए, आज इस समय जो भी इस समाज देश में जितने गुंडे मवाली हैं, सब मोदी के परिवार हैं। ये जितने पैसे लेके भगे भगोड़े, चाहे वो विदेश में गए, चाहे वो इधर निकल रहे हैं ब्लैक मनी, ये सब मोदी के परिवार हैं। और आज हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, पीडीए एनडीए की ईंट से ईंट बजाएगा। ये पीडीए ही है जो एनडीए की उसको ताज को नाश नस्तक करेगा और सत्ता से हटाएगा। आप भगोड़ों को मोदी का परिवार बता, नहीं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए, जिसके कब्जे में सरकार हो, जिसकी मॉनिटरिंग में पूरा चल रहा हो, आप बताइए ऐसे चले जाएंगे देश का पैसा लेके?
उसके बिना आदेश से, बिना उसके उसके ऐसे कैसे जा पाएंगे भाई। इसलिए आप उनको मोदी का सरकार पूरा संरक्षण करती है, इसलिए आप परिवार बोल। बिल्कुल, सरकार जितने गुंडे मवाली हैं, जितने दागी लोग हैं, इनको पूरा संरक्षण करती है, और जितने भगोड़े भगे हैं उनको सरकार ने भगाने का काम किया है।